गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एजुकेशनल सेमिनरी में। तो आज की तारीख है 24 फेब और टाइम हुआ है अराउंड 1:30। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो एक ह्यूज गैप डाउन, ऑलमोस्ट 400 का गैप डाउन था आज मार्केट में। एंड द रीजन इज द क्लैश गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल एक अनस्टेबिलिटी है उन दो कंट्रीज के बीच में, और जो भी उनके बीच में तो सिचुएशन इज गोइंग ऑन। तो उसकी वजह से मार्केट में जो एक फियर फैक्टर था वो आया और उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन हो गया। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये इसी इस लेवल के आसपास होवर अराउंड कर रहा है। तो लेट्स सी कि ये इसको ब्रेक करता है, और बिकॉज क्योंकि अभी न्यूज ड्रिवन हो गया तो हम इसको थोड़ा अभी छोड़ देंगे और देखते हैं कि ये कहां पर जाकर अपने आप को रोकता है और वो सिचुएशन कब तक चलती है। तो उस चीज को हम मॉनिटर करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि चार्ट्स पर वो चीजें हमें कैसे दिख रही हैं, कैसे नहीं दिख रही हैं। और अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 1900 पॉइंट्स डाउन है, ठीक है। और कल का डीजीआई भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.38% डाउन था, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी, सो ऑल आर लाइक एवरीथिंग इज इन रेड। और हीरो मोटोकॉर्प 8% डाउन है, टाटा मोटर्स 8% डाउन है, ठीक है। तो जो भी बड़े बड़े नाम है आज सब डाउन है। तो आज का जो ट्रेड है वो बाई साइड का है, दो चीजों में किया। और एक मेरा पहला ट्रेड है उस कॉमोडिटी में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्रूड ऑयल, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे ये 15 मिनट का चार्ट है, और उसका नीचे अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। तो मैंने जिगजैग लाइन सारी हटा दी क्योंकि अभी उन सबका कोई वर्क नहीं है, बिकॉज क्रूड ऑयल इज ट्रेडिंग नियर द लाइफ टाइम हाई। और जो सिचुएशन है उसमें इसमें से यही एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसने जैसे ही ओपनिंग दिए सुपर फास्ट ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस बनाया और ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, बट मैं इसको 5 मिनट में भी मॉनिटर कर रहा था क्योंकि आज का मूवमेंट काफी फास्ट होने वाला था। तो ये देखिए यहाँ से गिरा, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और उसके बाद ऊपर। यहाँ पर एंट्री 7150, ठीक है। और 100 पॉइंट का अपना टारगेट था, तो 7250 का मेरा टारगेट था। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 7250। तो ये एक बार भी नहीं रुका और सीधा सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये गया था, और 40 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस था मेरा, सॉरी 30 पॉइंट का, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस था, 40 पॉइंट आ रहा है, ठीक। तो ये था। और क्रूड ऑयल के लिए आप लोगों को पता है कि अभी आजकल जो मार्जिन चल रहा है वो अराउंड 1.5 चल रहा है। तो इसमें एक ही लॉट बनता था क्योंकि दूसरा लेना ऐसी सिचुएशन में अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरी टाइम दिस इज हैपनिंग कि मैं रेजिस्टेंस बनता है, ब्रेक करते हैं। और क्योंकि वो न्यूज ऐसी थी तो उसमें क्रूड का और कमोडिटीज का ऊपर जाना बनता ही था। आप देख सकते हैं नेचुरल जो गैस है उसमें भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, ठीक है। इसमें भी सेम सिचुएशन हो रही है, ठीक है। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग था आज मेरे लिए वो था गोल्ड। मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया इसको, और कल मैंने इसमें एंट्री बनाई थी 50150 पर, ठीक है। 50150 पर एंट्री बनाई थी। मैं इसको कई दिन से वॉच कर रहा हूँ, मीन्स की ट्रेड मैंने पहली बार किया है, बट मैं इसको ऑलमोस्ट 3 महीने से वॉच कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि पीछे भी मैंने कई बार समझने की कोशिश की, बट मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पेपर ट्रेड की देख रहा की तरह देख रहा था। बिकॉज क्योंकि इसमें हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता कि आप एक क्वांटिटी लेकर चेक कर लें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मॉनिटर किया, और आज जब सिचुएशन कल ऐसी बन रही थी कि हाँ गोल्ड शायद और ऊपर जा सकता है, तो ये देखिए एक ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा था, वापस सपोर्ट बनाया, एक नया हाई बनाया इसने। और जब ये यहाँ पर वापस आया तो इसने एक रिवर्स डायरेक्शन फिर से इंडिकेट की। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगाया जो कि था एग्जैक्ट 50150 पर, मीन्स 50150 के ऊपर, और स्टॉप लॉस था मेरा इस रेड लाइन के ऊपर एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये 49950 के आसपास है, ठीक है। आप देख सकते हैं 940 पर लाइन लगी हुई है। तो ये था, तो ये इसमें 150 रुपीज का वो वाला, और प्लस ये तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। और टारगेट ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि ये अगर आज ओपन होता है
और ये यहां तक भी जाने की कोशिश करता है तो मैं इससे निकल जाऊंगा, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। ओके, बट इसकी ओपनिंग इतनी अच्छी हुई, गैप अप ओपनिंग, ठीक है, और ओपन होने के बाद ये तुरंत तुरंत ऊपर जाता गया। और 15 मिनट के जब पहले 15 मिनट थे जिसमें आपका मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो ये देखिए ये यहां पर गया, इसके बाद रुका, फिर ऊपर चला गया, और जैसे ये रेड कैंडल बनने लगा, क्लोज हुआ, मैं यहां पर एग्जिट कर गया। ठीक है, आई डिडंट टेक द रिस्क कि ये कहाँ जाएगा, इसमें क्या बनता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा अमाउंट था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 1200-1300 रुपया। ठीक है, तो ये मेरा पहला ट्रेड था, तो थोड़ा एक्साइटेड भी था कि पहले ट्रेड में इतना अच्छा वो बना। और इसमें मैंने ट्रेड गोल्ड मिनी में किया है, तो आप ये गोल्ड मिनी देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बट ये मैं आपको चार्ट जो मैं फॉलो कर रहा था वो ये वाला चार्ट था, तो इसको आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट ऊपर था ये। और जो दूसरी चीज है कि जो दूसरी चीज है इसमें, दूसरी चीज बताने की जो इसमें ये थी कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका इन्वेस्ट, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि पोर्टफोलियो काफी रेड दिखने लगता है, तो उस चीज से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप अभी सब कुछ निकाल दो, क्योंकि लॉस में बेचने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि सिचुएशन 5 दिन 7 दिन चल जाए, बट दैट इज टेम्परेरीली, ऐसा नहीं है कि परमानेंट वहां पर वॉर चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज होल्ड योर पोजीशंस, दिस इज माय रिकमेंडेशन, नॉट रिकमेंडेशन, दिस इज अ सजेशन, रेस्ट इज अप टू यू कि आप लोग उस चीज को कैसे देखते हैं। आपको लगता है कि नहीं और नीचे जाकर पोजीशन बनाना है, दैट इज परफेक्टली फाइन, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं फॉर द सेम थिंग, बट दिस इज फॉर दोज पीपल की जो पैनिक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, या उनको उतना पता नहीं होता है कि मार्केट में ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, अब मार्केट कहाँ जाएगा, तो दिस इज काइंड ऑफ सजेशन यू कैन टेक इट, तो ये देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको इस चीज को ब्रीफ करूं, तो मार्केट में अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो आप ट्राई कीजिए कि कॉमोडिटीज अगर आपको आती है कॉमोडिटी मार्केट में, तो वहां पर आप थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करें, और उसमें आपको काफी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये किया था गोल्ड और क्रूड को, दो आज मतलब किसी भी आप कॉमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते तो शायद आपको अच्छा पैसा बन सकता था। तो सिल्वर भी ऐसा है, ये देख लीजिए, ठीक है, नेचुरल गैस भी ऐसा चल रहा है, एंड गोल्ड ऑब्वियसली आई ट्रेडेड, तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि गोल्ड को कल ट्रेड किया गया था। और सिंस शेयर मार्केट में जो हो रहा है तो उसमें इंट्राडे ट्रेड अभी बन नहीं रहा है, तो मैं उसमें से अभी कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको टेक्निकल उतना नहीं मिला होगा, बट एक थोड़ा रफ आइडिया मिला होगा कि द सिचुएशन काइंड ऑफ सिचुएशन इज गोइंग ऑन, उसी सिचुएशन में कैसे आप अपनी चीजों को होल्ड करते हैं और अपना पेशेंस को बनाए रखिए, थोड़ा पैनिक कम हुई है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें कीप गोज ऑन, ये ऐसा नहीं होता है, दीज आर टेम्परेरी, ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो जस्ट ट्रस्ट कि शेयर मार्केट में ये सब चीजें चलती रहती हैं, एंड एक अगर आपका इंस्ट्रूमेंट डाउन जा रहा है तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपको एक चांस देता है, एक अपॉर्चुनिटी बनाकर लेकर आता है। तो विद दैट थिंग आई साइन ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।